देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोगों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें बड़ा स्पष्ट उनका निर्देश रहा है कि जो बेसमेंट में लाइब्रेरी या कोचिंग इस प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं तो इनको चिन्हांकित करना है, और चिन्हांकित करके कोई विदाउट परमिशन यदि पाया जाता है और एज पर नॉर्म्स नहीं उनका चल रहा है तो उनको नोटिस देंगे, और उनका एक रिप्लाई लेने के बाद उसको तत्काल सील करने की कार्रवाई भी हम लोगों को करना है। नगर निगम की टीम ने इस पर कल ही करना काम शुरू कर दिया है, और हम अपने रेवेन्यू की टीम के माध्यम से भी ये जानकारी उनके साथ में शेयर कर रहे हैं जहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग इत्यादि चलने की पॉइंट सामने आ रहे हैं। तो लिस्टिंग प्रारंभ हो गई है, निश्चित रूप से हम इस पे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, उसको भी फेज्ड मैनर में, उसके लिए भी हमारी आयुक्त महोदय से भी लास्ट मीटिंग में ही मेरी बात हुई थी कि इसका भी एक कुछ प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाए, और हर क्षेत्र में या किसी स्पेसिफिक, हर बार कई बार होता है कि कार्रवाई शुरू होती है वही बाड़ा सर्राफा थोड़ी देर किया और फिर डाई डाउन हो जाता है, तो इसको ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड करके और इस पर हम स्लोली कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। ज़्यादातर जो बेसमेंट बनाए जाते हैं सिर्फ पार्किंग की वहाँ परमिशन ली जाती है, लेकिन ऐसे में बड़ी संख्या में जो है अवैध तरीके से इस तरह से काम चल रहे हैं तो उन पे भी अलग से कुछ कार्रवाई? बिल्कुल बिल्कुल, अभी प्राथमिकता के रूप पे तो हम ये कोचिंग और ये, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस विषय है, इस पर काम करेंगे, और आने वाले दिनों में उसकी अगली भी, मैंने आपको जैसे बताया, हमने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।